प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांसटैरो 369 में। सो गाइस, एक बार फिर से आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं, तो अगर वो चले गए हैं और आप दोनों में किसी वजह से कुछ अलगाव हो गया है या लेस कॉन्टैक्ट है, तो क्या वो वापस आपकी जिंदगी में लौट कर आएंगे, क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, किस तरह से आप मिलेंगे, क्या होगा आगे, आज थोड़ी इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, मेरे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, ऑलराइट, सो गाइस, रीडिंग में चाहे जो भी निकल कर आए, दुखी नहीं होना है। ट्रांस फैमिली में कोई दुखी नहीं होता है। रैंडमली अगर आप इस रीडिंग तक आ पहुंचे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए भी है कि जिंदगी में सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें हंस कर ही उसको फेस करना है और कभी भी खुद को दुखी नहीं करना है। ऑलराइट, ओके, सो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी किए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो यूनिवर्स, माई गाइड, माई गॉड, माई एंजल्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर, जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके जो पर्सन हैं नो कॉन्टेक्ट में है, लेस कॉन्टेक्ट में है, चले गए हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या वो लौट कर वापस आएंगे, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, ऑलराइट, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस गाइस, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफी निकल कर आ रही है, और एनर्जी यहाँ पर काफी निकल कर आ रही है। ओके, चाहे आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर मिस एक दूसरे को बहुत किया जा रहा है, ये क्लियर फील मिल रहा है। आपके पार्टनर भी जो है यहाँ पर, देखिए गाइस, एस ऑफ कप्स निकल कर आ गया है। चाहे आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स में यहाँ पर ये होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे थॉट्स जो हैं इनके दिल और दिमाग को घेरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए, करंट सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए। ये गाइस, कार्ड फ्लिप हो गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। ओके, चलिए, डेथ यहाँ पर गाइस, कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर क्लियर एक फील मिल रहा है कि कुछ तो यहाँ पर नया होने वाला है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ऑलराइट, एंड हियर वी गो विद थ्री ऑफ वांड्स गाइस। यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को अब तक आपने देखा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अलग डिफरेंट सिटीज में रहते हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी रह सकते हैं। आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, कहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जो है अब तक फोन कॉल्स और चैटिंग तक ही सीमित है, या फिर वीडियो कॉल्स तक, वन टू वन पर्सनली आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। और कुछ लोगों की केस में गाइज यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है, लेकिन इनको ऐसा फील आ रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा फील आ रहा है कि एक फेल्ड डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है ये पड़ चुके हैं, और अब जो है इनका दिल नहीं लग रहा है, चाहते हैं कि इस दर्द वाली फीलिंग से निकल कर बाहर आ जाएं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं, चाहते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करें, कहीं किसी और जगह पर अपना दिमाग लगाएं। ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसा भी कर रहे हैं गाइस, कि वो किसी न्यू फील्ड में कहीं जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम न्यू स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इनका जो ध्यान है उस नए काम में चला जाए, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। काम कुछ भी करें, कितना भी दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके बारे में सोचकर यहाँ पर एंड अप हो जा रहे हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड हियर
इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइज यहाँ पर एक क्लियर कट फीलिंग मिलता है कि कुछ नया यहाँ पर शुरू होने वाला है, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। आप में से कई लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे कम बैक करते हुए दिखते हैं गाइज विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून राइट बिलो दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज इस पूरे सिचुएशन का जो है मुझे एक एंड होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लगता है कुछ चीजें आप दोनों के बीच में जो क्लियर नहीं थी उन चीजों को ये क्लियर करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ये वाला कार्ड जब जस्ट बिलो एस ऑफ स्वॉर्ड के जस्ट बिलो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ये दर्शाता है कि ये जो बड़ा चेंज है ये चेंज बहुत सारी क्लैरिटीज को साथ में लेकर आने वाला है। जो चीजें हो सकता है इन्होंने इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपसे छुपाई हो या कुछ सोचकर आपको नहीं बताई हो वो सारी चीजें ये यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। एक सेल्फ रियलाइजेशन की यहाँ पर फीलिंग है जिसके साथ यहाँ पर आपके पार्टनर जो है मुझे भी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है, फील हो रहा है इनको ऐसा दिल में कि इन्होंने जो भी छुपाया है, जो क्लैरिटी इन्होंने आपको नहीं दी है वो क्लैरिटी इनको देनी चाहिए और एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। गाइज यहाँ पर मुझे एक फीमेल एनर्जी दिखाई देती है। अभी यहाँ पर कुछ लोगों के केस में अलगाव का जो रीजन है ये एक फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई देती है और कुछ लोगों के केस में आपके जो पार्टनर हैं गाइज ये मुझे बहुत ही इस तरह के इंसान दिखते हैं जो कि आपको बहुत ही एक खूबसूरत इंसान समझते हैं। इनको ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने जो निर्णय हैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं, किसी पर आप डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद करते हैं। ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप जो है एक बहुत ही डिसेंट और लॉयल पर्सन है, एक नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन है आप। आपके साथ में आपको जो है कोई भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, इस तरह की फीलिंग्स आपके बारे में ये रखते हैं। आपको बहुत ही डिसेंट और बहुत ही चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग इंसान ये समझते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है जो कि इनके साथ पूरी जिंदगी स्टैंड बाय कर सकते हैं। दिस लॉट ऑफ फायर एनर्जी इन साइड गाइज, ये बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एक अग्रेशन इनके दिल में है। अग्रेशन अगर मैं बोलती हूँ तो अग्रेशन इस तरह से नहीं है कि आपके बारे में ये कुछ आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं या इस तरह से। अग्रेशन मतलब बहुत ही अग्रेसिवली आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनके दिल में ऐसी फीलिंग है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। जहां भी जिंदगी में इनको जरूरत होगी आप इनके साथ खड़े रहेंगे, स्टैंड बाय करेंगे और इनका साथ कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मैं इस इंसान के दिल में देख पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए गाइस कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, देखते हैं कि और क्या होने वाला है, क्या आपके पर्सन आएंगे या क्या सिचुएशन है, क्या सीन होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 3 मोर कार्ड्स। ओके, ये देखिए गाइज एंड किंग ऑफ कप्स राइट बिलो एस ऑफ कप्स। यहाँ पर गाइज बहुत ज्यादा वाटर एनर्जी हमको मिलती है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशंस है और यहाँ पर एक अलग ही तरह का बॉन्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग होकर भी यहाँ पर मुझे अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मुझे तन की दूरियां दिखाई देती है गाइज, मन से यहाँ पर कोई मुझे दूरियां दिखाई नहीं देती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं। यहाँ पर हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाले हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर के करंट सिचुएशन में क्लियरली पता चलता है कि ये आपके बारे में बहुत प्यार फील कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर गाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो कि शायद आपके पार्टनर से आप मिले नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने जो भी बातें की हैं और जितना भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उस टाइम फ्रेम में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो पल बिताए हैं उसमें आपने जो भी बातें की हैं, शायद आपने अपने बच्चों के नाम तक रख लिए होंगे, उस हद तक आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बातें यहाँ पर की है, अपना फ्यूचर प्लान कर लिया होगा। तो यहाँ पर गाइस प्यार वाली फीलिंग तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आती है। प्लस यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि एक दूसरे के साथ जो आपकी कंपैटिबिलिटी थी, एक दूसरे के साथ जो कंफर्ट था, जो बॉन्ड आप इमोशनल बॉन्ड जो शेयर करते थे, एक रिलेशनशिप में जो एक कंटेंटमेंट होता है, कमिटमेंट की जो
बात होती है, कमिटमेंट वाली जो बात होती है इस रिलेशनशिप में, मुझे वो बहुत कुछ नजर आता है। लेकिन गाइज यहाँ पर किसी वजह से इस रिलेशनशिप में फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पर एक बड़ा चंक ऑफ पीपल है जिनके लिए बात यहाँ पर इस रीडिंग में जो पॉसिबिलिटी निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा, कहीं पर थोड़ा सा एक स्लाइटली या तो आपके दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या किसी इंसान को लेकर आपके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ डाउट आया है, या थर्ड सिचुएशन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात छुपाने के कारण यहाँ पर आप दोनों के बीच में अलगाव की जो स्थितियां हैं वो पैदा हुई हैं। लेकिन फिर भी आप कि दिल में जो सिचुएशन, चाहे यहाँ पर जो भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस के बावजूद भी यहाँ पर प्यार में कोई कमी दिखाई देती है, ऐसा यहाँ पर कोई भी कार्ड निकल कर नहीं आया है। सो प्यार यहाँ पर पूरा है, भर भर के है। और गाइज यहाँ पर मुझे आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली इसी इच्छा में दिखाई देते हैं कि वो वापस आएंगे। तो जब हमने रीडिंग स्टार्ट की तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सीन है, थोड़ा इनके बारे में इंसाइटफुल रीडिंग करेंगे। तो यहाँ तक के अब तक के कार्ड्स यही बताते हैं कि इनके दिल में बहुत सारे फीलिंग्स हैं, लेकिन बहुत सारे इट्स एंड बट्स में हैं, कुछ बातें छुपाई गई हैं जिसके कारण ये दुखी हैं। सोच रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो गया, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। चलिए गाइज लास्ट टू कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं लास्ट टू कार्ड्स हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। ऑलराइट, ये देखिए गाइज यहाँ पर हमारे पास, देखिए गाइज ये कुछ एंड होने का और कुछ नई शुरुआत का कार्ड है। और यहाँ पर हमारे पास राइट बिलो दिस कार्ड वी हैव रिसीव्ड सेवन ऑफ वॉन्स। अगेन फायर एनर्जी यहाँ पर गाइज हमारे पास निकल कर आई है। एरीज लियो सैज यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए इम्पोर्टेंट। सो गाइज टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। प्लस यहाँ पर ये जो है क्विट करने को रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप में, चाहे चैलेंजेस जितने भी आए, आपके जो पर्सन है वो चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है, एक अपने लिए एक स्टैंड लेने के लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूशंस मिलते हैं कि शायद यहाँ पर इनके कोई फैमिली हैं या कोई फ्रेंड्स हैं या इनके पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से ये इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, या कोई ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर मुझे समझ में आती है जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां हुई हैं बिकॉज ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नाउ योर पर्सन इज रेडी टू यू नो टेक स्टैंड फॉर यू। तो यहाँ पर ये मुझे काफी चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई देते हैं, और इन्होंने दिल में सोचा भी है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो ये आपके पास आकर रहेंगे, इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं, और सिर्फ चांस ही नहीं देना चाहते हैं, प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। एंड गाइज व्हेन आई एम सेइंग हियर कि ये प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके केस में यहाँ पर इनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी, तो अभी ये जो इंसान आपके वापस लौटेंगे ये काफी क्लैरिटी के साथ लौटेंगे। और इन्होंने अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया था इस रिलेशनशिप में, तो ट्रस्ट मी यहाँ पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज निकल कर आए हैं कि ये आपको आकर जो है एक प्रॉपर कमिटमेंट देंगे, वो भी क्लैरिटी के साथ में। ये देखिए गाइज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई देती है, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी केस हो सकता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि फीमेल हैं, किसी की मदर हो सकती है, किसी की बड़ी सिस्टर हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, होमसोएवर। लेकिन यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी पता चलती है, और ये फीमेल एनर्जी यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फैमिली में से कोई हो सकती है, बहुत छोटा सा चंक ऑफ पीपल है यहाँ पर जिनके लिए थर्ड पार्टी कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, लेकिन ये जो छोटा सा चंक ऑफ पीपल की मैं बात कर रही हूँ इनके लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये प्योरली एनर्जी स्पेसिफिक है। सो यहाँ पर गाइज देखिए कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर अलगाव पैदा हुआ है। थ्री नंबर यहाँ पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, बिकॉज दिस थ्री ऑफ पेंटिकल हैज कम। अर्थ एनर्जी बिल्कुल यहाँ फायर एनर्जी के नीचे हमें मिला है, और दोनों ही थ्री नंबर्स हैं।
यहाँ पर तीन नंबर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। प्लस यहाँ पर गाइस एक तो ये है कि ये आप दोनों जो है मिलकर प्रॉपर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आपकी पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है। प्लस कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मुझे ऐसा फील मिलता है विद दीज टू कार्ड्स स्पेशली एंड सराउंडेड विद दीज फोर कार्ड्स, यहाँ पर ऐसा क्लियर कट फील मिलता है कि यहाँ पर कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण भी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो खराब हुआ है। और आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक बार मिलकर बैठकर बात करने की जरूरत है, आप दोनों को अपने अपनी बातें रखने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे मिलती है। यहाँ पर आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों में शायद उतनी यूनिटी नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई आकर और आप दोनों को ऐसे अलग कर सकता है। सो यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, आप दोनों के बीच में जो भी समझ है आपसी, वो समझ उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन को यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर गाइज एक बड़ा चंक ऑफ पीपल है जिनके बारे में आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि इनको आकर आपसे बैठकर बात करने की जरूरत है, जो चीजें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में वो चीजें क्लियर करने की जरूरत है। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो क्यों नहीं दे रहे थे, और अभी आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। गाइज यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 3 वुड बी द नंबर फॉर यू। यहाँ पे 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 घंटे में मैसेज आ जाए ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 3 वुड बी द नंबर फॉर यू, 33 डेज भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ट्वाइस 3 नंबर इज हियर। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइज, 3 इज द नंबर फॉर यू। ये किसी महीने की 3 तारीख भी हो सकती है। तो 3 यहाँ पर जो है आपके लिए नंबर निकल कर आता है। इन 3 महीनों, 3 हफ्तों या 3 घंटों में जो है, 3 साल नहीं कहूंगी गाइस, 3 साल बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम होता है किसी का इंतजार करने के लिए। सो 3 महीने यहाँ पर मैं मैक्सिमम दे रही हूँ आपको, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आई है। इस टाइम फ्रेम में आपके जो पर्सन है वो वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, इस तरह के पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल कर आए हैं। ऑलराइट, सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।